बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है जी, मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और आज का जो एक्सचेंज रेट रहा वो शेयर कर दूंगा मैं। मैं अभी कुछ चीज़ें देख रहा था जो कि सोशल मीडिया के ऊपर भाई कुछ आप और अनहोनी हो रही हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता था, क्योंकि जैसा कि आपको मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि भाई मुझे नहीं लगता था कि अभी की जो सूरत हाल है इसको देखते हुए आने वाले 2, 4, 5, 7, 10 दिन के अंदर डॉलर और रियाल में इजाफा हो। हाँ, एक आध मंथ या डेढ़ मंथ के बाद रियाल में इजाफा मतवक्के है और जो बड़े परदेसी भाई तब तक वेट कर सकते हैं वो रख लें, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अभी सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया से मुराद ये है जी, अभी मैं कुछ HBL प्राची एक्सचेंज वालों के रेट देख रहा था जो कि आपके साथ भी यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, आपको साथ में दिखा भी देता हूँ। मैंने कुछ ना डिफरेंट चीज़ें देखी हैं जो कि सामने आ रही है। सबसे पहले तो आपको मैं डॉलर के मुताबिक बताना चाहूँगा और डॉलर का रेट आज का 277.90 शो हो रहा है और कल हालांकि ये 278 रुपये तक पहुँचा है। आज 10 पैसे डाउन है स्टार्टिंग में। हाँ, डे के अख्ताम तक कितने, यानी कि 278 प्लस में जाता है या नहीं जाता ये पता चल जाएगा। बहरहाल डॉलर में भाई पिछले एक दो दिन की नस्बत तकरीबन 50 से 60 पैसे का इजाफा हो चुका है। 50 से 60 पैसे का इजाफा हो चुका है। ओपन मार्केट में तेज़ी आ रखी है। जो मेरे भाई रियाल वाले हैं, आपको मैं यहाँ पर ओपन मार्केट HBL का रेट दिखा रहा हूँ मैं, 73.30 रुपये ये रेट है। वो पाकिस्तान ओपन मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे दरहम देख लें, 2 रुपये महंगा है रियाल से, 75.25 पैसे रेट है दरहम का। आप तमाम परदेसी भाइयों को मेरी ये गुजारिश है, जो पाकिस्तान जा रखे हैं या पाकिस्तान में आ चुके हैं, पाकिस्तान यानी कि पहुंच चुके हैं, अभी एक्सचेंज मत करवाएं जितने आपके पास हैं। कल एक भाई ने बकायदा मुझे व्हाट्सअप के ऊपर मेरे साथ रब्ता किया, मुझे बोला मेरे पास भाई 15,000 रियाल हैं, मैं एक्सचेंज करवा लूं या अभी वेट करूं। तो मैंने उनको बोला था जितनी ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर अगर 1,000 चेंज करवाने से आपका गुजारा होता तो वो 1,000 एक्सचेंज करवा कर अपना गुजारा करें, चंद दिन वेट कर लें, मज़ा खुद ही आप ले लेंगे 15,000 रियाल के पीछे। और मेरी आज की ये बात याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से परदेसियों को लाखों का फ़ायदा ना हुआ तो मैं ये रियाल रेट वाली वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, ये मैं बात कर रहा हूँ मैं। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में। और एक चीज़ और मैंने एक कल भाई ने कमेंट किया, शायद आपको साथ में दिखा रहा हूँ मैं, मैंने भाई कल सेंड किए हैं, 73.62 रुपये रेट लगा है, ये भाई मुझे बोल रहे हैं ठीक है। और पाकिस्तान में क्या शो हो रहा है, 73.30, 73.5 तक। अब पाकिस्तान ओपन मार्केट इस वक्त वीक चल रही है, मत एक्सचेंज करवाएं, चंद दिन वेट कर लें, ओपन मार्केट में आप खुद ही मज़ा ले लेंगे ठीक है। नीचे एक भाई ने और मुझे कमेंट किया था, ओ भाई ईद से पहले आपने बोला था कि रेट बढ़ेगा, किधर बढ़ाया, आप ऐसे बोले जा रहे हैं। यार रेट बढ़ना शुरू हो चुका है भाई, आज का रेट आपने, मैंने आपको भाई का ऊपर वाला दिखा दिया, आप जाकर ये राजी या कहीं से भी सेंड करेंगे। एक होता है, मैं आपको ये भी बता दूं, अक्सर भाइयों ने ना मोबाइल में ऐप बनाई हुई है तो ऐप ओपन करते हैं, वहाँ पर रेट शो हो जाता है, मिसाल के तौर पर 73.20 रुपये भाई, वो कन्फर्म रेट नहीं होता है। वहाँ पर आपने पाकिस्तान भेजना है ना, मिसाल के तौर पर 500 रियाल, 700 रियाल, 1,000, 2,000 जितने हैं वो रकम लिखकर जब आप फिर सेंड के ऊपर बटन दबाएंगे, आगे OTP कोड आता है, वहाँ पर जब आप फाइनल के ऊपर जाएंगे ना, यहाँ पर आपने यस करना है या नो करना है, तो वहाँ पर असल रेट शो होगा। ये रेट असल नहीं है जो अभी आपको आप मोबाइल ऐप से देख रहे हैं, ये शो नहीं होगा। वहाँ पर आप देखेंगे 20-30 पैसे तक का डिफरेंट आएगा, ये मेरी बात याद रखिएगा, जो भाई ये मोबाइल ऐप से भेजते हैं उनको पता होगा। तो बहरहाल ये ओपन मार्केट के रेट की बात होगी और डॉलर के रेट की बात होगी, जिसमें रोज़ बरोज़ इजाफा देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान में महंगाई भाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। जैसा कि आपने देखा है पेट्रोल और डीजल के प्राइस कल फिर बढ़ चुके, और ऊपर से वो बोले जा रहे हैं जी, IMF का मैं आज का बयान सुन रहा था, ये बातें आपके साथ सिर्फ शेयर इसलिए कर रहा हूँ परदेशियों के साथ कि हमारा भाई इनसे लेन देन होता रहता है। लेन देन से मुराद ये है कि हमें इन बातों से मतलब है, क्योंकि हमने पाकिस्तान रियाल भेजने हैं। तमाम परदेसी भाई मेरी बात सुन लें, आप अपनी पाकिस्तान में जितनी ज़रूरत है उतने रियाल भेजें, बाकी आप यहां पर अगर सेव करना चाहते हैं सऊदीया में तो भाई सेव करें, मतलब रियालों की निस्बत अगर आप दरहम या डॉलर बाय करना चाहते हैं वो भी बेस्ट है। और इंशाल्लाह ताला आप जब छुट्टी जाएंगे 1, 2, 3, 6 मंथ के बाद, ये आपने जो सेव किए होंगे, ये मेरी बात आज की याद रखिएगा, उस टाइम आपको खुद ही पता चल जाएगा भाई मैंने फलां टाइम इतने सेव किए थे, 10,000 सेव किया था, आज मैं पाकिस्तान लेके आया हूँ 2, 3, 4, 6 मंथ के बाद, तो मुझे उस टाइम के रेट के और आज के रेट के हिसाब से कितने लाख का फायदा हुआ है। मैं लाखों की बात कर रहा हूँ, मैं 10-15 हज़ार रियाल के पीछे, आने वाले 2, 4, 6 मंथ की बात करें। वैसे अगर आपने थोड़ा बहुत फ़ायदा लेना है तो वो बंदे भाई उठा लेते हैं, जैसे कि गोल्ड रेट के मतलब मैंने बोला था भाई ले लें, तो बंदों ने खरीदा अल्हम्दुलिल्लाह, और देखते ही देखते 40 से 50 हज़ार का उसमें गोल्ड रेट में डिफरेंट बना। और पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 2.45-2.25 लाख के अराउंड में चल रहा है गोल्ड का रेट। अच्छा जी, रेट के मुतालिक बात करते हैं,
आपको भाई मैं पहले एक्सचेंज रेट आज का बता दूं, 74.19 रुपये पाकिस्तानी, इंडिया भाई 22.29 रुपये, बांग्लादेशी टका 29.37 रुपये रहा, बांग्लादेशी टका भी तकरीबन 8-10 रुपये बढ़ा है। अच्छा आगे बात कर लेते हैं जी मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से, तो इनमें तहरीर राजीव बैंक का जो भाई आज का रेट है, इनका आज का रेट 73.28 रुपये रहा, और इसमें हो सकता है जब आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं इसमें 10-20 रुपये का मजीद इजाफा हो चुका हो। आगे अगर बात करें वेस्टर्न यूनियन की, तो 73.49 रुपये ये वेस्टर्न यूनियन का भाई रेट है, और 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। मनीग्राम की बात करें तो मनीग्राम का आज का रेट 73.30 रुपये रहा, और 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। टैली मनी यानी कि ANB बैंक के मुताबिक बात करें तो इनका भाई आज का रेट 73.32 रुपये और 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। अगर STC पे से आप भाई भेजना चाहते हैं तो STC पे का आज का रेट 73.26 रुपये रहा, और 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस है। फौरी बैंक बैंक जजीरा की बात करें तो इनका आज का रेट 73.47 रुपये है, और 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। अगर आप इंजाज बैंक से भाई भेजना चाहते हैं तो इंजाज बैंक आज का 73.33, और अगर क्विक पे की बात करें तो 73.52 रुपये अच्छा रेट दे रहा है क्विक पे भी। और अगर आप फ्रेंडी के थ्रू भाई भेजना चाहते हैं तो फ्रेंडी वाले आज का जो रेट है वो 73.29 रुपये दे रखे हैं, और 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। आने वाले दिनों में भाई रियाल में इजाफा हो रखा है, ये इजाफा कब तक चलता है ये देखते हैं। रोज़ आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला।